एक कुत्ता सड़क पर काफी दिनों से रो रहा था, लेकिन जब लोगों को इसकी सच्चाई का पता चला तो सबके होश उड़ गए। दोस्तों, आज के समय में इंसान इतना ज्यादा मतलबी हो चुका है कि अगर सड़क पर कोई इंसान भी उसे घायल दिखाई दे तो वो दूसरी तरफ मुख करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब तो बात कुत्ते की रही तो कोई इंसान इसे क्यों देखने लगा। ये बेचारा काफी दिनों तक सड़क पर ऐसे ही बैठकर रोता रहा, जहां कोई उसे धमका देता तो कोई उसे सहला देता। सिर्फ मकसद एक था कि वो किसी न किसी तरह चुप हो जाए। लेकिन इस बारे में किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो रो क्यों रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग इस कुत्ते को पहली नजर में देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि इसका पेट काफी अजीब तरीके से फूल चुका है, जिससे सिर्फ एक ही बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे काफी सारा दर्द हो रहा होगा, जिसके चलते ये एक ही जगह पर बैठकर लगातार रो रहा था। लेकिन वो तो शुक्र है कि वहाँ पर एनिमल वेलफेयर के काम करने वाले लोगों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने इस कुत्ते को रेस्क्यू कर लिया और वो उसे लेकर एनिमल हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने जब इसका चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि इस कुत्ते के पेट में बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन हो चुका है, जिसके चलते इसके पेट में काफी सारा जहरीला फ्लूइड भी बन चुका है और जल्द से जल्द अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो हो सकता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। जिसके बाद डॉक्टर्स ने बिना देरी किए उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस डॉगी के पेट से बहुत सारा फ्लूइड बाहर निकाला गया और इस प्रकार इस बेजुबान जानवर की जान बच पाई। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर ये थोड़ी देर और वहां पर ना आ पाता तो हो सकता है इसके शरीर के काफी सारे अंग काम करना बंद कर देते और शायद उसके बाद वो उसकी जान बचा भी ना पाते। दोस्तों, इस वाक्य से हमें इस बात का पता चलता है कि इमोशन वो चीज है जो इंसान को इंसानियत से जोड़े रखता है, नहीं तो इंसान और पत्थर में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। और वैसे अगर आप लोगों को लगता है कि इमोशन सिर्फ इंसानों में होते हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब तो साइंस ने भी मान लिया है कि जानवरों के अंदर भी इमोशन कूट कूट कर भरे होते हैं। बस फर्क इतना है कि जानवरों में हम इंसानों जितने इमोशन नहीं होते। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, वैसे आप लोगों ने लैगून के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि क्या बंदरों में भी किसी तरह के इमोशन होते हैं, उनके बीच एक रोबोट बंदर को भेज दिया, जिसकी आंखों में कैमरा भी लगाया जा चुका था। और वहां पर घूम रहे बंदरों की नजर जब उस रोबोट बंदर पर पड़ी तो सभी लैगून उसके पास आ पहुंचे, मानो वो उससे पूछ रहे हो कि तुम कहां से आए हो। लेकिन वो असल में एक रोबोट था जो कि उनकी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद वो लैगून उसे पकड़कर एक पेड़ पर ले गए और उसे कुछ देर झुलाने के बाद उसे नीचे गिरा दिया। इतनी उठापटक के बाद उस बंदर के अंदर की सारी एक्टिविटी बंद हो चुकी थी, जहां उसकी आंख में लगा सिर्फ कैमरा ही काम कर रहा था। वहां पर मौजूद सभी लैगून्स की हरकत कैमरे में कैद हो रही थी और कुछ ही देर बाद उन्होंने उसे बुरी तरह हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ और इसके बाद वहां पर मौजूद सभी लैगून उसके नजदीक आकर बैठ गए, मानो वो सभी अपनी साथी की मौत का मातम मना रहे हों। और वो काफी ज्यादा दुखी भी नजर आ रहे थे। और वहीं बैठे एक मादा लैगून ने तो अपने बच्चे को सीने से लगा लिया, जैसे कि वो उसे खो नहीं सकती। दोस्तों, आप ही बताइए, ये सब देखने के बाद भी कौन कहेगा कि जानवरों में इमोशन नहीं होते। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि उनके ऊपर इस तरह एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि इससे इन जानवरों को काफी ज्यादा तकलीफ हुई होगी, भले ही वो मानसिक ही क्यों ना हो। जिस लैगून ने उसे पेड़ से नीचे गिराया था, हो सकता है वो पूरी जिंदगी उसे अपनी मौत का जिम्मेदार मानता रहे कि उसने ही उसे मारा है। वैसे दोस्तों, शायद आपने कभी किसी मरे हुए कौवे को देखा हो तो आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वहाँ पर काफी सारे अन्य कौवे भी बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कहा जाता है कि ये सब मिलकर अपने साथी की मौत का मातम मनाते हैं और शोर मचाते हुए अपने साथी को अलविदा कहते हैं। और जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया तो इस एक्सपेरिमेंट को कायला नामक वैज्ञानिक ने पूरा किया, जो हमेशा शाम को एक जगह पर घूमने के लिए जाती थी, जहां अक्सर उन्हें कौओं का झुंड दिखाई देता था और अक्सर वो उन्हें मूंगफली या फिर भुजिया भी खाने को देती। और कुछ ही दिनों में वो सभी कौए कायले के पास आकर इकट्ठा होने लगते।
ये सिलसिला काफी दिनों से यूं ही चल रहा था, जहां एक दिन काइली ने अपना हुलिया बदल लिया और चेहरे पर एक डरावना मास्क लगा लिया, जिसके साथ ही उसने अपने हाथों में एक नकली कौवे की डेड बॉडी ले ली, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचती है और वहां पर काइली का इंतजार कर रहे कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहां पर देखते ही देखते काफी सारे अन्य कौवे भी इकट्ठे हो जाते हैं, मानो वो उस कौवे को अलविदा कह रहे हो। लेकिन काइली का कहना था कि वो अपने साथियों को आने वाले खतरे से आगाह करवा रहे थे। अगले दिन काइली वहां पर फिर से जाती है, लेकिन जो कौवे उनका आने का इंतजार हर रोज करते थे, उस दिन वो कौवे काइली के पास तो आते हैं, लेकिन बड़े ही चौकन्ने होकर। उससे अगले दिन फिर से काइली उसी मास्क को लगाकर वहां पर जाती है, जिसे देखकर सभी कौवे फिर से चिल्लाने लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने काइली का वो मास्क वाला चेहरा याद था, जिसके चलते वो शोर मचाकर काइली को वहां से भगाना चाहते थे। और ऐसे में हम सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं कि उनके पास दिमाग भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन इमोशन उनके पास भी होते हैं। वैसे दोस्तों, धरती पर मौजूद हर जीव में इमोशन मौजूद होते हैं, बस फर्क इतना है कि उसे जाहिर करने का तरीका हर जानवर का अलग होता है। दोस्तों, अब हम आपको चिंपैंजी से जुड़े हुए एक वाक्य से अवगत करवाते हैं। जब रिसर्चर्स ने चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सोची, तो उन्होंने देखा कि एक चिंपैंजी झाड़ियों की तरफ बड़े ही गौर से देख रहा है। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा, तो उन्होंने वहां पर देखा कि एक 7 साल का चिंपैंजी मरा पड़ा था, और रिसर्चर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर थोड़ी ही देर में काफी सारे चिंपैंजी इकट्ठा हो गए, जो कि उसके पास जाकर बैठ चुके थे। और वहीं कुछ चिंपैंजी ऐसे भी थे जो कि उसे बार बार छूकर हिलाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक मादा चिंपैंजी ने कुछ ऐसा किया, जिसकी हरकतों को देखकर सभी की नजर उसी पर डट गई, जो उस भीड़ से काफी ज्यादा दूर जाकर बैठ गई थी, और वो भी काफी ज्यादा उदास हालत में, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपने बच्चे को खो दिया था, जिसके बाद शायद उसने इस वाक्य को देखकर अपने बच्चे को याद किया होगा और वो ये सब देख नहीं पाई, और उसका दुख उसके हालात से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हाथियों के बारे में। वैसे कहने में काफी ज्यादा अजीब लगेगा कि हाथियों में भी इंसानों की तरह इमोशन होते हैं, और वो भी अपने साथी की मौत पर शोक मनाते हैं, जिसका वो लोग अंतिम संस्कार भी करते हैं। ऐसा करते समय अक्सर उन्हें रोते हुए भी देखा गया है, और बिल्कुल हमारी ही तरह उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो रहा हो तो इस वीडियो को देखिए, जहां एक हथनी के मरने के बाद एक झुंड उसके नजदीक आकर बिल्कुल शांत अवस्था में खड़ा हो जाता है। इसके कुछ देर बाद ही सभी हाथी अपनी सूंड को ऊपर उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हाथियों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी हाथी अपने साथी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, तो वो सबसे पहले उसके शरीर पर अपनी सूंड फहराता है और अपने पैर से उसे उठाने की कोशिश करता है। और जब हाथियों को इस बात का विश्वास हो जाता है कि वो उठने वाला नहीं है, तो सभी हाथी अपनी सूंड उठाकर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल ये भी उनका शोक मनाने का एक तरीका है, जिसके बाद वो उस हाथी के शरीर पर अपनी सूंड से मिट्टी भी डालते हैं और उसे पत्तियों और झाड़ियों से ढकने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह लगातार काफी दिनों तक वो वहां पर आकर शोक मनाते हैं। ऐसा वो तभी करते हैं जब उन्हें किसी हाथी की हड्डियां नजर आती हैं। इसका मतलब यही है कि हाथी भी अपने साथी की मौत को समझ लेते हैं, और वो भी अपने साथी को खोने की अहमियत अच्छे से जानते हैं। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस बारे में भी जरूर बताइएगा कि वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जानवरों के प्रति नजरिया बदला या नहीं।